फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप के कुल्हड़ लेके आई हूँ। और हमारा देख लीजिए कितना सारा स्टॉक में है कुल्हड़। तो ये देखिए, ये हमारे चाय वाले कुल्हड़ हैं जो हम से चाय वाले लेके जाते हैं। ये कुल्हड़ देखिए साइज़ में, ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और स्मोकी भी हैं, आपको दिख रहा होगा, और सॉफ़्ट भी रहते हैं। ये सॉफ़्ट इसलिए बनाए जाते हैं जिससे मिट्टी में इजीली मिल जाएं। और ये थोड़े बड़े कुल्हड़ हैं, ये जब हम लोग पंगत करते हैं या पत्तल वत्तल में खाना खिलाते हैं तो उस समय ये वाले कुल्हड़ पानी देने के लिए यूज़ होते हैं। तो आजकल भी जो विश्वास रखते हैं मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाने में, वो लोग हमसे लेके जाते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़े बड़े साइज़ के दिख रहे होंगे आपको। और इसके अलावा हम लोग जैसे दही खरीदते हैं बाज़ार में, वो मिट्टी के कुल्हड़ों में देते हैं, तो ये वाले कुल्हड़ ही होते हैं जिसमें दही मिलती है हमें बाज़ार में। और देखिए ये नेक्स्ट वेराइटी का कुल्हड़ है हमारा, ये देखिए, ये भी हमारे काफ़ी स्मॉल साइज़ के कुल्हड़ हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये फोर्थ टाइप के कुल्हड़ हैं हमारे, ये देखिए ये फिफ्थ टाइप के कुल्हड़ हैं। ये थोड़े से दिए भी रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये कुल्हड़ भी दही के लिए ही यूज़ करते हैं, या चाय में भी, आप जानते हैं चाय भी कभी 5 रुपए की मिलती है, कभी 10 रुपए की मिलती है, तो उसमें भी अलग अलग साइज़ के कुल्हड़ यूज़ होते हैं। और ये कुल्हड़ बहुत ज़्यादा देखिए बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं, हाथ में लेने से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही स्मोकी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं ये कुल्हड़, और अर्दी भी हैं। ये देखिए दिखने में ही आपको कितने सुंदर लग रहे होंगे ये चाय वाले कुल्हड़ हैं जो चाय वाले लेके जाते हैं हमसे। और ये देखिए ये एक नेक्स्ट कुल्हड़। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, कुल्हड़ों की वैरायटी पसंद आ रही है, टाइप्स पसंद आ रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। तो इसमें हर साइज़ के कुल्हड़ हैं, हर वैरायटी के कुल्हड़ हैं। ये कुल्हड़ बहुत सॉफ्ट बनाए जाते हैं, सॉसर तो एक बार को हार्ड हो सकते हैं, दिए भी हार्ड हो सकते हैं, लेकिन कुल्हड़ जो है वो हमेशा सॉफ्ट ही बनते हैं, और वो बहुत ईजली जो है मिट्टी में घुल के मिट्टी में ही मिल जाते हैं। यही उद्देश्य होता है मिट्टी के बर्तनों को सॉफ्ट बनाने का। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये दिए, ये सब नेचुरल कलर है। जैसे और सिटीज़ में हमने देखा कि उसमें कलर करते हैं, तो हमारे प्रयागराज में कलर नहीं किया जाता है, ये जो है इनका नेचुरल कलर होता है, जो ये भट्टी से पक के आते हैं ये वही कलर होता है। अगर देखिए इसमें कलर किया जाता तो ये आपको स्मोकी स्मोकी से नहीं दिखते, क्योंकि फिर इसमें गेरू का कलर चढ़ जाता। तो ये जो है नेचुरल कलर है जो भट्टी से निकल के आता है। तो देखिए ये कितना सुंदर है, और सारे एक शेप के होते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा अर्दी, नॉन ग्रिटी, चिकनी होती है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।